सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो अपने जीवन के संचित कर्मों के फलों को भगवान को सौंप देता है वही सुखिया है, वही सुखिया है, बाकी सब दुखियां हैं। तुम अपनी चीजों को, अपने कर्मों को, अपने अपने पूरे जीवन की यात्रा को अगर स्वयं के साथ जुड़े बैठे हो तुम दुखी हो गए। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, बीत गया, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, ध्यान दीजिएगा। इस तरफ भूतकाल है आपका, ये सबके लिए बता रहा हूं, बहुत गहरी बात है, ये भूतकाल है आपका, ये भविष्य है आपका और बीच में आप खड़े हैं। अक्सर व्यक्ति क्या करता है, एक अब जैसे ये धारा है ऐसी आप समझ लीजिए कि ये हाथ किसी ने पकड़ रखा है, ये हाथ भी किसी ने पकड़ रखा है, भूतकाल अपनी ओर खींच रहा है। हाय क्या जमाना था, हाय कैसा था, भूतकाल अपनी ओर खींच रहा है, भविष्य अपनी ओर खींच रहा है और हम बीच में खड़े हैं। अक्सर लोगों के जीवन में यही विडंबना है, वो भूत को भी छोड़ना नहीं चाहते, भविष्य को भी छोड़ना नहीं चाहते और ना चाहते हुए भी वो कहीं से हिल नहीं सकते, वहीं खड़े हुए हैं। जिंदगी में, जीवन में आगे बढ़ने का एक ही दर्शन है कि जब तक तुम भूतकाल जो भूतकाल की स्थिति उसको झटका नहीं मारोगे, अपने हाथ को छुड़ाओगे नहीं, तब तक भविष्य की ओर दौड़ने लगा। जिसने वर्तमान को एक्टिवेट नहीं किया, जिसने वर्तमान को सही से नहीं जिया, आप क्या सोचते हो भविष्य क्या है? भविष्य वर्तमान का कर्म है। अगर भविष्य की बात आप कर रहे हैं तो भविष्य वर्तमान का कर्म है। जो आज हम कर्म करेंगे हमको भविष्य में मिलेगा, आज हम जो बोएंगे भविष्य में हमें मिलेगा, जो हमें मिल रहा है वो हमने भविष्य में बोया था, सिंपल। इससे ज्यादा कोई गणित नहीं है, भगवान ने भी गीता में 10 बार समझा दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जैसा कर्म करेगा वैसा हिसाब किताब बनेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। तो आप इस कथा में, इस सुखिया से ये सीख सकते हैं जिसने अपने समस्त कर्म फलों को, संचित कर्म फलों को, संचित सुंदर कर्म फलों को भगवान को सौंप दिया। और सुनो एक बात, यही शबरी ने किया था। शबरी ने भी चेक किए भगवान को कौन से देने अच्छे अच्छे, बुरे अपने पास रख लिए, इसने भी यही किया। हमें भी भगवान को संचित कर्मों में से वो सुंदर सुंदर कर्म ले, भगवान ये तो तेरा ही है, मतलब यही दासत्व भाव है, यही 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 एक भक्त का भाव है कि भगवान को वो सुमन अर्पित करे, कांटे अपनी झोली में रख ले, यही तो भक्ति है। फिर वो गोविंद क्या करने वाले उन कांटों के साथ वो भगवान जाने। लेकिन सुखिया के जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता, घर में बच्चे हैं सब है, लेकिन उसने जो तैयारी कर रखी है वो ठाकुर जी को प्रेषित कर रही है और रोज आती रोज करती। एक जगह तो दर्शन है मुझे, उस दर्शन में तो ये कि एक बार वो आई, वो आती तो थी निरंतर, एक बार वो आई और आकर उसके मन में भाव हो गया कि मैं इन्हें दुग्धपान कराऊं। हाँ ये बिल्कुल सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूं, मैं ना दुग्धपान कराऊं, माँ मात्सल ममत्व जाग गया। तो दर्शन ये आया है कि भगवान ने ऐसी लीला करी माया की कि सब होते हुए न देख पाए और भगवान ने दुग्धपान किया है। विचार कीजिए, सुखिया है और सुखिया वही है जो सब कुछ गोविंद को सौंप दे, बाकी सब दुखिया है। क्योंकि जब तुम सौंप दोगे तुम हल्के हो जाओगे, तुम कहां तक डोलोगे, कहां तक उठाओगे, कहां तक ढोगे, कब तक ढोगे? एक दिन तो यही होगा कि जब अगर तुम देखो, एक और चीज है, यात्रा है। आप लोगों में से कोई अमरनाथ गया होगा, गए हैं, पहाड़ पे चढ़े होगे, चढ़े होगे। पहाड़ पे चढ़ने में कोई आपसे कहे भैया एक काम करो, ये आपके 5 लीटर के पानी की बोतल अपने हाथ में ले लो, मैं 5 लीटर की बोल रहा हूं। थोड़ी देर के बाद वो पानी की बोतल आपको पहाड़ लगने लगेगी, पहाड़ छोटा लगने लगेगा।
सेम यात्रा हमारी है। जितना सामान अपने साथ रखोगे, यहां वाला भी और यहां वाला भी, दोनों ही की बात कर रहा हूं, ये ज्यादा खतरनाक सामान है जो यहां कचरा भर रहा है, उतनी यात्रा भारी होने वाली है।